This is the sound that the gods will play to part the clouds. तो हम सभी को काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से इंतज़ार था रियलमी की टीवी का, और आज वो फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, बताएंगे सारे स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और कौन कौन से वेरिएंट में लॉन्च किया है, सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टर्न टर्न, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें Realme TV के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने दो वेरिएंट लॉन्च किए। पहला वेरिएंट था 32 इंच का और वो एक HD रेडी टीवी है और उसका रेजोल्यूशन भी उसी के हिसाब से दिया गया है। बात करें दूसरे वेरिएंट के बारे में, तो दूसरा जो वेरिएंट है 43 इंच का है और वो एक फुल HD टीवी है और उसका रेजोल्यूशन भी उसी के हिसाब से दिया गया है। और दोनों ही टीवी में साइज को और रेजोल्यूशन को छोड़कर कुछ भी फर्क नहीं है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको शुरुआत करते हैं कनेक्टिविटी से। तो यहाँ पे आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे, इसी के साथ SPDIF पोर्ट देखने मिल जाएगा और बाकी जितने भी जरूरी पोर्ट्स होते हैं इस टीवी में आपको देखने मिल जाएंगे। अब बात करें यहाँ पे टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। उसी के साथ ही साथ उसमें से दो जो स्पीकर है वो ट्विटर है और बाकी दो जो है मास्टर है। जब मैं बात कर रहा हूँ साउंड आउटपुट के बारे में, तो साउंड टेक्नोलॉजी को कैसे भूल सकता हूँ, तो यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। अब यहाँ पे बात करें टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये एक सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा इसी दोनों ही टीवी में। बात कर ले टीवी के रैम और स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही टीवी में आपको 1 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे उसके स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के बारे में, तो यहाँ पे 60Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया है। और जहाँ तक सवाल है प्रोसेसर के बारे में, कौन सा प्रोसेसर लगाया गया रियलमी की तरफ से, तो यहाँ पे लगाया गया मीडिया टेक का प्रोसेसर कॉर्टेक्स A53। इसी के साथ ही साथ जो GPU दिया गया माली 470 दिया गया है। बात करें कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे आपको अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यूट्यूब सब कुछ परफेक्टली चलने वाला और इसी टीवी में आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएगा। और अब यहाँ पे आगे बढ़ते और बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी के बारे में कि रियलमी ने क्या नया लाया है। तो यहाँ पे उन्होंने सबसे अच्छी चीज इंट्रोड्यूस की है उसकी पिक्चर इंजन की, जिसको रियलमी कहता है क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन, जिसके थ्रू पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली, कलर हमको काफ़ी रिच और नेचुरल देखने मिलेंगे। इसी के साथ ही साथ उन्होंने HDR10 और HLG का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसके थ्रू और भी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस और पिक्चर क्वालिटी होने वाली है। और जब मैं बात कर रहा हूँ पिक्चर क्वालिटी के बारे में, तो मैं उनके ब्राइटनेस निट्स को कैसे भूल सकता हूँ, तो यहाँ पे इस टीवी में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिलेगी। इसी के साथ ही साथ 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है, जो कि एक स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। और जो 32 इंच वाला जो टीवी है उसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो भी स्टैटिक ही है, लेकिन जो वैल्यू है 3000:1 का दिया गया है। दोस्तों यही थे सारे डिटेल्स इस टीवी से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो 32 इंच वाली टीवी है उसका प्राइसिंग रखा गया है 12999, मतलब 13000 रुपये में आपको 32 इंच की टीवी मिलने वाली है। और दूसरी तरफ बात करें उसके सेकंड वेरिएंट के बारे में, जो 43 इंच वाला है, उसकी प्राइसिंग रखी गई है 21999, मतलब 22000 रुपये में आपको 43 इंच वाली टीवी मिलने वाली। तो प्राइसिंग बहुत ही अच्छी है और एग्रेसिव रखी गई है। और अगर इस प्राइस को मैं कंपेयर करूँ इसके कॉम्पिटिटर से, जो मेजरली उसका मेन कॉम्पिटिटर माना जा रहा है MI, तो MI ने रिसेंटली एक टीवी लॉन्च की थी चाइना में। फिलहाल वो इंडिया में कब लॉन्च करेगी हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो इंडिया में लॉन्च करता है तो अगर उसकी प्राइसिंग 17000 रुपये के आसपास होगी, और 17000 रुपए और 22000 रुपए में से आपकी आप कौन सी टीवी लेना पसंद करेंगे मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही रियलमी ने उसके और भी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे एक रियलमी का रियलमी बर्ड और नियो और रियलमी का एक पावर बैंक, और इसी के साथ ही साथ एक रियलमी वॉच। ये सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में और इसकी जो सेल है आज से ही शुरू होने वाली है। टीवी को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स की सेल आज से 3 बजे चालू हो जाएगी। इसी के साथ ही साथ जो टीवी की सेल है वो आपको 2 जून से देखने मिलेगी फ्लिपकार्ट पे। इसी के साथ ऑफलाइन स्टोर में भी मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के खुलने के बाद ही आपको ऑफलाइन स्टोर में देखने मिल जाएगा, तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। और इसकी जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए। और बाकी आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है इस टीवी के बारे में, हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो लाइक करके ही जाना। इसी के साथ ही साथ वीडियो शेयर करना और जो लोग नए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।